हेलो फ्रेंड्स, इससे पहले की वीडियो में हमने बात किया था डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ पाइला ग्लोबोसा के बारे में, और आज हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ पाइला ग्लोबोसा, जिसे हम एप्पल स्नेल भी बोलते हैं। तो हम इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम में स्टडी करने से पहले ये जान लेते हैं कि पाइला के पास दो रेस्पिरेशन का मोड होता है। एक्वेटिक रेस्पिरेशन करता है वो, और एरियल रेस्पिरेशन करता है। जो एक्वेटिक रेस्पिरेशन होता है पाइला का, वो होता है उसके गिल, जिसे हम टेनिडियम कहते हैं, और एरियल रेस्पिरेशन इसके पल्मोनरी सैक, जिसे हम लंग कहते हैं। इन दो ऑर्गन्स के द्वारा होता है। तो दोस्तों, हम अब स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ स्नेल। अगर हम बात करें रेस्पिरेटरी सिस्टम स्नेल का, तो यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे पाइला हैव टू मोड ऑफ रेस्पिरेशन, एक्वेटिक रेस्पिरेशन एंड एरियल रेस्पिरेशन। गिल और टेनिडियम से एक्वेटिक रेस्पिरेशन हो रहा है, एरियल रेस्पिरेशन पल्मोनरी सैक या जिसे लंग भी कहते हैं उसकी मदद से। अब हम बात करेंगे दोस्तों रेस्पिरेटरी सिस्टम में पाए जाने वाले रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में, जो कि स्नेल के बॉडी में पाए जाते हैं। तो थ्री रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं। फर्स्ट है गिल, सेकंड इज़ द पल्मोनरी सैक, एंड थर्ड इज़ द न्यूकल लोब्स। दोस्तों,